नमस्कार दोस्तों, राम राम सारे भाइयों दें। दोस्तों आज बात करेंगे, एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। जैसे कि पहले भी बताया था कि जो पहले भी एक तीन स्टैंडिंग ऑर्डर आ लिया अपने, एक तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, एक हेड कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल वाला था वो, और एक आया था किसका, AWO असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का, जो एक स्टैंडिंग ऑर्डर आया था उसका। तीन स्टैंडिंग ऑर्डर आने के बाद में एक चौथा स्टैंडिंग ऑर्डर और जारी हुआ है, 208/2019। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, एक ये जो दिल्ली पुलिस है उसका एक सिस्टम है कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर जारी करती है। ठीक है, उस स्टैंडिंग ऑर्डर में होता क्या है, ठीक है, उस स्टैंडिंग में ऑर्डर में प्रक्रिया दी जाती है किसी भी चीज को करने की, ये कि ये प्रकार ये चीज किस टाइप से होगी, इसकी प्लानिंग क्या है। ठीक है, तो उस प्रकार से उसकी प्रक्रिया दी जाती है दोस्तों, तो वही है, वही स्टैंडिंग ऑर्डर में है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर आया किसका है वो बात करते हैं। वो आया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ड्राइवर की भर्ती का। ठीक है, ड्राइवर की भर्ती का स्टैंडिंग ऑर्डर आया है दोस्तों। ठीक है, भर्ती आने वाली है दिल्ली पुलिस की, मैं बता देता हूं। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। ठीक है, क्योंकि जब भी लाइव आऊंगा सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा आपकी, का जो आप क्वेश्चन पूछोगे कोशिश करूंगा कि उनका रिप्लाई मिले। तो अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखोगे तो पता चल जाएगा कि मैं ऑनलाइन कब आऊंगा। ठीक है, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम अपना नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना, ताकि आपको पता चल जाए कि लाइव आया हूँ, आपकी समस्याओं का समाधान हो या मेरी कुछ समस्या हो आप समाधान कर सको, तो भाई वो भी जायज चीज है। तो दोस्तों बात करते हैं इस मामले में कि क्या है स्टैंडिंग ऑर्डर, क्या चीज है, क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है, क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रखे हैं, कितनी उम्र है, पूरी वीडियो में देखते हैं। चलते हैं वीडियो के अंदर, स्टैंडिंग ऑर्डर खोल के दिखाता हूँ आपको क्या सिस्टम है। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं दिल्ली पुलिस में जो एक और वैकेंसी आने वाली है किससे संबंधित है। वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर से संबंधित, जो पुरुषों के लिए है, जो मेल कैंडिडेट के लिए है। और जो ड्राइवर, जो कांस्टेबल ड्राइवर होते हैं, जो बसों के ड्राइवर या फिर गाड़ी के जो भी जिप्सी वगैरह होती है, इनोवा रहती है, उसका ड्राइवर के लिए वैकेंसी आने वाली है, उससे संबंधित हम बात करेंगे। उसी के संबंधित एक स्टैंडिंग ऑर्डर आया है, जो कि पिछली जो कांस्टेबल की भर्ती है उसके लिए भी एक पहले स्टैंडिंग ऑर्डर आ चुका है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर आ चुका है, और एक हेड कांस्टेबल AWO असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, जो कि मैं सबसे अच्छी जो मानता हूँ, उसका भी स्टैंडिंग ऑर्डर आ चुका है। और अब किसका आया है, अब स्टैंडिंग ऑर्डर आया है जो दिल्ली पुलिस में ड्राइवर हैं, जो बस चलाने के लिए, जो MT से संबंधित ड्राइवर हैं, उनके लिए एक नोटिफिकेशन आया है, मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर आया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिएगी, क्या क्या चीज़ चाहिएगी, किस किस प्रकार से, मतलब क्या क्या उसको आवश्यकता पूरी करनी पड़ेगी, तब वो जाके उस भर्ती के लिए मतलब तैयार है। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों क्या है। देखिए, आप देख सकते हो स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 208/2019 है। इट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस। ठीक है दोस्तों, तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जो ड्राइवर के लिए भर्ती है उसके लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर आया है। हम बात करेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ हमें चाहिएगी, इस क्या क्या मतलब किस किस की रिक्वायरमेंट है भर्ती के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन है, इसमें तो आप क्या करोगे पढ़ के, आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ अगला पेज खोल के। आप क्या है कि देखिएगा कि जो ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल है, ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल है, उसके कितने नंबर हैं, 50 मार्क्स हैं, और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 25। अब इसमें है क्या, देखिए दोस्तों, इसको इससे गाड़ी चलवा के देखी जाएगी, ड्राइविंग फॉरवर्ड आगे की ओर चलवा के देखी जाएगी, रिवर्स करवा के देखी जाएगी, और पार्किंग में लगवा के देखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, लाइट मोटर व्हीकल है उसके लिए। जिसके पास हैवी मोटर व्हीकल है उसी से भी यही प्रक्रिया करवाई जाएगी। ठीक, और उसको भी इसी अनुसार नंबर दिए जाएंगे, आपको बता देता हूँ। तो ये ट्रेड टेस्ट होता है, देखिए दोस्तों, ये ट्रेड टेस्ट ही बोल सकते हैं हम इसको। जैसे हम आपने वो जो देख के आए थे आप, ऐसे से जो दिल्ली पुलिस का MTS का देख के आए थे, उसमें ट्रेड टेस्ट देख के आए थे ना, तो उसी प्रकार से हम इसको ट्रेड टेस्ट बोल सकते हैं इसका। ठीक है,
ये चीज देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें आएगा क्या क्या। देखिए इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। अब बात कीजिए क्या क्या होगा उस एग्जाम में, क्या क्या सिस्टम होने वाला है। ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन विल बी पुट थ्रू ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। वो 90 मिनट का एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है। अलग अलग सेंटर पे एग्जाम किया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब 90 मिनट मिलेगी आपको, 100 क्वेश्चन आएंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर का है जो माध्यम वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में होगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि पेपर में आने वाला क्या क्या चीज़ है, अब उसी से बात करेंगे हम। तो आएगा क्या क्या पेपर में, देखिए दोस्तों पेपर में आएगा जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स आएगी 10 नंबर की, 10 क्वेश्चन। आप देखिए जो है जिस ट्रेड से है उससे संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उससे संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे, वो 50 नंबर के। अब देखिए उनमें आएगा क्या क्या, देखिए दोस्तों उनमें ये रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में पूछा जाएगा, ट्रैफिक रूल्स के बारे में पूछा जाएगा, ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में पूछा जाएगा, और इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन हो रहा है उससे संबंधित पूछा जाएगा, ठीक है। पेट्रोल डीजल के जो व्हीकल्स हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, और सीएनजी से कैसे ऑपरेट करते हैं, नॉइज पोल्यूशन, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। कितने, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 50 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है। तो ये था। अब बात करते हैं दोस्तों मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, देखिए वही बताया क्या क्या चाहिएगा। ऑल वैकेंसीज इन द रैंक ऑफ कॉन्स्टेबल ड्राइवर डिस्पैच राइटर विल बी फिल्ड राइडर, ठीक है। देखिए दोस्तों ये ड्राइवर के लिए ही है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए क्या क्या सिस्टम होने वाला। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 100 नंबर का। फिजिकल एंड्योरेंस एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब फिजिकल होने वाला है और फिजिकल मेजरमेंट भी होने वाला है। अब ट्रेड टेस्ट होगा, ड्राइविंग लाइट और हैवी, जो भी बताया था मैंने पीछे ट्रेड टेस्ट, वही गाड़ी को आगे करवा के देखेंगे, पीछे करवा के देखेंगे और पार्किंग करवा के देखेंगे, वही होने वाला है, 50 नंबर का होने वाला है, जिसमें 20 नंबर को आगे करवा के देखेंगे, आगे चलवा के देखेंगे, बैक चलवा के देखेंगे 20 नंबर की, और पार्किंग के 10 नंबर। तो ये इसमें सिस्टम होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों कि फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, जो फिजिकल देगा उसमें क्या क्या होने वाला है। अब देखिए दोस्तों जो है, आप देख सकते हो यहाँ आपके सामने दिखाई दिया कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाइंग। देखिए दोस्तों उम्र है यो 30 साल तक दे रखी है इसमें, कम से कम, मतलब जो 30 साल तक है, जिसकी उम्र 30 साल तक है वो क्या करेगा, 7 मिनट दी जाएगी उसको 1600 मीटर की, और उसका लॉन्ग जंप होगा 12.5 फीट, और हाई जंप होगा उसकी मतलब 3.5 फीट उसका हाई जंप होगा और 12.5 फीट लॉन्ग जंप होगा। जिसकी उम्र 30 से 40 साल है उसको 8 मिनट दी जाएगी, 11.5 फुट लॉन्ग जंप है और 3.25 फुट हाई जंप है। जिसकी उम्र 40 से अधिक है उसको 9 मिनट दी जाएगी 1600 मीटर के लिए, और 10.5 फीट उसका लॉन्ग जंप है और 3 फीट उसका हाई जंप है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये मैंने बता दिया है, और इसमें बता देता हूँ आपके सामने क्या क्या चीज आने वाली है। देखिए द ट्रेड टेस्ट शैल कैरी 150 मार्क्स, ठीक है। तो ये 150 मार्क्स का होगा दोस्तों, 150 मार्क्स का आपका ट्रेड टेस्ट होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, बता देता हूँ। जिसमें 50 मार्क्स के ये हो गए, 50 मार्क्स के ये हो गया, ठीक है। और नॉलेज, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, किसकी, ट्रैफिक सिग्नल्स की, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये 25 नंबर का आएगा, ठीक है। इनको, इनमें से आपको आधे नंबर लेने जरूरी हैं, ठीक है, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, वह बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन चाहिए कि 10+2 पास होनी चाहिए आपकी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल्स विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर, देखिए जो हैवी मोटर है उसके लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं उम्र की, 21 से 30 ईयर उम्र है दोस्तों। अपर एज विल बी रिलैक्सेबल ओनली ऑन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। देखिए दोस्तों 21 से 30 साल तक इसकी उम्र है, अप टू मैक्सिमम 5 ईयर्स ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू एससी, ठीक है। देखिए दोस्तों जो एससी से बिलोंग करते हैं, एससी और एसटी से, उनको 5 साल की
छूट दी जाएगी। इसका मतलब आप क्या समझते हो बताऊं आपको, इसका मतलब है कि 30 साल तक भर्ती देख सकता है कोई भी, कम से कम उसकी साल 18 नहीं है, इसमें 21 वाला ही फॉर्म भर सकता है, 21 से लेकर 30 तक, मतलब जो जर्नल कैंडिडेट है वो 30 साल तक फॉर्म भर सकता है। ठीक, आपको बिल्कुल साफ क्लियर कर देता हूँ, जो जर्नल का स्टूडेंट है वो कम से कम 30 साल का होना चाहिए, सभी स्टूडेंट कम से कम 30 साल के होने चाहिए, और जो जर्नल का है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक का हो सकता है। जो SC का है, SC और ST का है, वो 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। जो OBC का स्टूडेंट है वो 23 साल तक भर सकता है। मेरे हिसाब से आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैंने बता दिया, अब बात करते हैं और इसमें देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मेरे सामने आई, मैंने आपको वो बता दी। मेरे ख्याल से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर बाय द वे फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, आपको बिल्कुल संतुष्ट किया जाएगा। ठीक है, कोई भी भाई अपना राय देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है, उसकी सुनी जाएगी अगर सही राय है, और गलत राय है तो भाई गलत तो किसी की नहीं सुनी जाएगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना। देखिए बता देता हूँ, जो भी न्यूज़ दी जाएगी बिल्कुल 100% सत्य दी जाएगी, हमारा झूठ से कोई वास्ता नहीं है। हम वीडियो कम डालते हैं लेकिन जो डालते हैं बिल्कुल सही डालते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को शेयर करना दोस्तों, और अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आगे भी हमसे जुड़े रहे, जो हम वीडियोज अपलोड करें वो आपको मिलती रहे, तो आप नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, क्योंकि हम अभी जल्दी जल्दी लाइव आने वाले हैं, क्योंकि लाइव हम आपकी ज़्यादा समस्या को समाधान कर सकते हैं, इसलिए अब हम लाइव भी आएंगे। इससे पहले मैं लाइव नहीं आया हूँ आज तक, लेकिन अब भर्ती आने वाली है तो इसलिए लाइव आना पड़ेगा, तो हम लाइव भी आने वाले हैं। तो अपने नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि लाइव आए तो पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, इतना ही बताऊँगा अभी के लिए, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।